हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आज आप सभी को घुमाने जा रहा हूं बैजू बाबा का जुआड़। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताता चलूं कि ये जगह कहां पर पड़ता है। जब आप सुकृत से बनारस की तरफ बढ़ेंगे तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो हाईवे के जस्ट किनारे पर ही बैजू बाबा का मंदिर है और ठीक रोड के इस पार अपोजिट साइड में लगभग उस मंदिर से 200 से 300 मीटर अंदर आएंगे तो ये जगह शानदार एक जगह मिलेगी आपको, ये जिसको बोला जाता है बैजू बाबा चुवाड़। तो चलिए आप सभी को मैं इस जगह के बारे में दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं ना, ये सामने जो आपको पत्थर सब दिख रहा है ना, ये शानदार यहाँ से पानी चलता है। बारिश के टाइम में जब मानसून सीजन आता है तो ये बारिश का पानी एकदम झरझर झरझर कलकल की आवाज़ लिए है, शानदार तरीके से पूरा पानी चलता है और वादियाँ भी पूरी हरी भरी हो जाती हैं। और देखिए पानी ऐसे आता है, ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे पानी आता है और ये जाने का रास्ता इधर, और इस रास्ते से होते हुए ये देखिए धीरे धीरे इधर से ऐसे ऐसे होते हुए भरदरिया से होते फिर अरोरा बांध में यहीं पानी चला जाता है। तो एक शानदार जगह है दोस्तों, ये पिकनिक स्पॉट भी है बैजू बाबा का चुवाड़ का ये जगह जो है। तो एक बार मैं आप सभी को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ चारों तरफ से पहले कैमरे को घुमा घुमा कर, ये देखिए। और बारिश का टाइम होगा तब फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। तो इधर देखिए ये है, ये देखिए इधर ब्लड गिरा हुआ है। आप सभी को पता ही है कि ब्लड है तो इसका मतलब कि मुर्गा उर्गा यहाँ पर कटा था। पिकनिक स्पॉट है तो लोग आते हैं। और चलिए देखते हैं, वहाँ चुवाड़ है, मेन जो चुवाड़ है वहीं पर है, तो उसी को मैं दिखाने के लिए आप सभी को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इधर देख सकते हैं ना, ये देखिए चुवाड़ का पानी है, ये सब आगे तक गया हुआ है बह बह के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना तो यहाँ पर कोई बांध है ना कोई बोर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी इतना कैसे है, तो उसी चुवाड़ का पानी निकलता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ चुवाड़ का मतलब क्या होता है। चुवाड़ का मतलब यह होता है कि बिना बोर के हुए स्वतः पानी अपने आप निकलता है, और वह पानी निकल कर देखिए इस नाले के माध्यम से आगे तक पानी गया है, तो उधर में आगे तक काफ़ी चला जाता है। तो कितना भी सूखा पड़ जाता है यहाँ का पानी कभी भी नहीं सूखता है, चाहे कितना भी गर्मी पड़ती। मेरे जाने भर में तो आज तक पानी यहाँ का कभी सूखा नहीं। तो चलिए मैं अब चुवाड़ की तरफ बढ़ रहा हूँ और मेन जगह चुवाड़ का पानी कहाँ से निकलता है उसको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक इमली का पेड़ भी है जो पूरा छांव रहता है चुवाड़ के पर, जब भी आप आएंगे पूरा छांव बना रहता है पेड़ों की वजह से। तो ये देखिए इधर से ये जो नाली नुमा दिख रहा है ना, ये सब देखिए पानी चुवाड़ का ही निकला हुआ है। तो ये जो नाली नुमा है इसी में से पानी निकलता है, देखिए दर्रा नुमा है ना दिख रहा है। चलिए मैं आगे और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये वो मेन जगह है दोस्तों जहाँ से पानी निकलता है, देख रहे हैं ना पानी है ना वहाँ पर। तो ये पानी धीरे धीरे यहाँ से निकलता है और जब बारिश का टाइम होता है ना तो ये पूरा भर के ऊपर से 10 से 15 इंच मोटा पानी चलता है और लगभग 1-1.5 फीट पत्थर से ऊपर तक पानी चलता है, गड़गड़ गड़गड़ ये पूरा इतना ऊंचा तक। तो एक शानदार जगह है। और इधर देखिए भोलेनाथ का एक स्मृति चिन्ह रखा हुआ है। तो बहुत ही शानदार जगह है, अगर आप सभी यहाँ पर आना चाहेंगे। ये देखिए पत्थर है ना, पत्थर के नीचे से पानी यहाँ से होते होते ऐसे ऐसे इधर से निकल जाता है और निकल कर आगे तक चला जाता है। तो इस जगह को बैजू बाबा चुवाड़ बोलते हैं दोस्तों। तो ये देखिए इधर एक मोर, अब मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर देखिए एक मोर दिखा था, अभी भाग गया, काफ़ी दूर है वो, जूम करके दिखाने की कोशिश किया था दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, बस इस वीडियो में इतना ही था, एक शानदार जगह है। हाँ, मैं एक बात और आप सभी को बता दूं, अगर यहाँ पर आप सभी आना चाहेंगे तो सुकृत आइए, सुकृत से बैजू बाबा मंदिर आइए, और बैजू बाबा मंदिर से लगभग रोड से 250-300 मीटर अंदर आएंगे तो ये शानदार जगह मिलेगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सभी बारिश में आएँ ताकि हरा भरा हो जाए यहाँ पर पानी, आए सब पड़ा पानी चलेगा, तब ये एक बहुत ही मनमोहक जगह साबित होता है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक फॉलो करके जुड़ जाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर।